हाई एवरी वन एंड वेलकम टू स्टूडियो लीगल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सक्सेशन सक्सेशन के हिसाब से एक प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जाए लेट्सी सक्सेशन यानि उत्तराधिकार किसी भी फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टीज होती है चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो रेजिडेंशियल फ्लैट प्रमाइसिस कमर्शियल प्लाट ऑफ लैंड और शॉप मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में बैंक डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स म्यूचुअल फंड शेयर सिक्योरिटीज ये सारी प्रॉपर्टीज के ओनर की अगर डेथ हो जाती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारी प्रॉपर्टीज पर किसका अधिकार है अफकोर्स यहां पे जो लीगल एयर्स है जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं वो पिक्चर में आते हैं और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन पर ये क्लेम कर सकते हैं बट क्लेम करने के लिए उन्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि दिया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर इंडिया एक सेक्युलर प्लेस है और यहां पे बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते हैं और हर रिलीजन के हिसाब से सक्सेशन लॉज को ड्राफ्ट किया गया है ये जो वीडियो है वो हिंदुज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से है तो अगर आपको इस वीडियो के चलते कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस किसी भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लीगल एयर के नाम पे करवाने के लिए यानी जो कानूनी उत्तराधिकारी है उनके नाम पर करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि दिया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर स्क्रीन पर चार वर्ड्स मैंशन है फर्स्ट वन इज़ प्रोबेट सेकंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड फोर्थ डी सर्टिफिकेट ये चारों सर्टिफिकेट्स जो है इनका मीनिंग डिफरेंट है और इनके लिए प्रोसीजर जो दिया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर वो भी डिफरेंट है जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनके ऑफिस के थ्रू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोबेट जैसे जो सर्टिफिकेट्स है वो ग्रांट करवाए जाते हैं और जो लीगल एयर सर्टिफिकेट है आप वो किसी भी तहसीलदार या तलाटी ऑफिस से ग्रांट करवा सकते हैं और इन सारे सर्टिफिकेट्स के लिए क्यों अप्लाई किया जाता है लेट्स फाइंड आउट लेट्स टेक द फर्स्ट वन प्रोबेट अगर किसी भी पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टीज़ है चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो उनके डेथ के बाद में उनके लीगल एयर्स के बीच में कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए वो अपने लाइफ टाइम में एक विल यानी वसीयत जैसा डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं इस डॉक्यूमेंट में उनकी इच्छा अनुसार ये लिखा जाता है कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके से किन रेशियो में अपने लीगल एयर्स के बीच में डिवाइड हो ये स्पेसिफ़िकली मैंशन किया जाता है वसीयत या विल जैसे डॉक्यूमेंट में अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसे तभी एग्जीक्यूट किया जाता है जब जो प्रॉपर्टी है उनके ओनर की डेथ हो जाती है यानी जो टेस्टेटर है उस विल में उनके डेथ के बाद में इस विल जैसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसका जो प्रोसीजर दिया गया है सक्सेशन एक्ट के अंदर उसे फॉलो करना पड़ता है कई प्लेसेस में प्रोबेट इंपॉर्टेंट होता है कई प्लेसेस में प्रोबेट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है जहाँ कंपलसरी होता है प्रोबेट करवाना विल को वो क्यों करवाया जाता है लेट्स फाइंड आउट ऐसा हो सकता है कि जो विल है वो फोर्ज या फेक हो यानी जो ओनर है उन्होंने किसी भी मेंटल प्रेशर या दबाव में आके उस विल को बनाया गया हो तो लॉ के अंदर ऐसे विल को सही नहीं माना जाता है तो उस विल की जो ऑथेंटिसिटी है या उसका जो वेरिफिकेशन है वो कराना ज़रूरी है तो कोई भी विल हो वसीयत हो ओनर के डेथ के बाद में टेस्टेटर के डेथ के बाद में ऐसे विल को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोबेट कराना पड़ता है और जो प्रोबेट है वो डिस्ट्रिक्ट जज है ग्रांट करते हैं आफ्टर द प्रोसीजर गेट्स ओवर द प्रोबेट इज ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटर और इस प्रोबेट के बेसिस पर जो लीगल एयर्स है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को अपने बीच में विल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं सो दिस वॉज द प्रोसीजर फॉर प्रोबेट जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो तभी अप्लाई किया जाता है जब लीगल एयरस के नाम पे कोई भी वसीयत या विल ना हो अगर कोई भी विल या वसीयत नहीं बनाई गई हो तो जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड की जाए तो इसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अगेन अ कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस उसी तरीके से सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल एयर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया जाता है क्यों अप्लाई करना पड़ता है वाई इज इट सो नेसेसरी बिकॉज जो ये सर्टिफिकेट्स है ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं यानी निर्णायक सबूत होते हैं कि जो भी लीगल एयर्स है वो राइटफुल लीगल एयर्स है सही कानूनी उत्तराधिकारी है और वो लाइबल है यानी वो राइटफुल लीगल ओनर्स है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के और इसीलिए जो प्रोबेट सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या लीगल एयर सर्टिफिकेट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उन्हें अप्लाई करना पड़ता है और इसके बेसिस पर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो ईजिली ट्रांसफर हो जाती है लीगल एयर्स के नाम पर सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी जिस केसेस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट जैसे सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं इन सारे केसेस के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सक्सेशन सर्टिफिकेट की वो प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट और कवर हो जाती है और रही बात लीगल एयर सर्टिफिकेट की तो लीगल एयर सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप किसी भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रमाइस को जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना हो तो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं So, this was it for today. In this way, you can transfer inherited property on your name if you are the rightful legal owner. In the next video, we are going to discuss something more about succession laws. So, stay tuned for that. And thank you for watching till the end. We will see you in the next one.